वेलकम टू कन्याकुमारी गाइस। Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys doing absolutely fine. तो guys, आज है 6 अक्टूबर और मैं जा रहा हूँ बैंगलोर से कन्याकुमारी के लिए। कन्याकुमारी जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है इंडिया का इसकी, क्योंकि इसके बाद हम जाने वाले धनुषकोटी, जो कि हर एक राइडर का एक ड्रीम डेस्टिनेशन होता है धनुषकोटी। बट कन्याकुमारी से धनुषकोटी अप्रॉक्सीमेट 350-380 किलोमीटर है। सो वो हम आई होपफुली कल अटैम्प्ट करने वाले हैं। आज हम बस कन्याकुमारी तक जाएंगे। कन्याकुमारी नेशनल हाईवे 44 में यूज़ करने वाला हूँ। आई जस्ट होप कि अपकमिंग डेज में अब तक हमारे जो हाईवे के एक्सपीरियंस है वैसा एक्सपीरियंस नहीं होगा। हाईवे 44 वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बेटर हाईवे बोला जाता है इंडिया का। सो आई जस्ट होप कि ये कन्याकुमारी तक हमें फास्टेस्ट रूट में लेके जाएगा। अप्रॉक्सीमेट 600 प्लस किलोमीटर दिखा रहा है, बट बैंगलोर हम भी, मैं कोरबंगला में रुका हुआ था तो यहाँ से बाहर निकल में इट क्वाइट ऑब्वियस टाइम लगेगा। सो अप्रॉक्सीमेटली 700 किलोमीटर हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं विद इन 9 आवर और 10 आवर के अंदर। इंडिया में हर साल कितने लाखों बच्चे जो होते हैं वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं, चाइल्ड लेबर का शिकार होते हैं। गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है लेकिन लगातार इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये हर साल बढ़ते जा रहा है और ये आंकड़े हर साल 10 से 11 लाख से ज़्यादा बढ़ रहे हैं और अभी तक अप्रॉक्सीमेट 38 लाख पर ईयर एवरेजली चल रहा है। अगर मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर शो कर रहा होगा गाइज। सो वी जस्ट होप कि ये हमारे एक अवेयरनेस राइड है चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, जो कि कश्मीर टू कन्याकुमारी थी बट इज़ कन्वर्ट टू इंडिया राइड। एंड आई एम रियली ग्लैड कि कश्मीर टू कन्याकुमारी की जगह मैं पूरे इंडिया राइड करते हुए इस चीज़ का अवेयरनेस, एक मैसेज फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाइल्ड सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, ताकि हम ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोक पाएँ और किस तरीके से हम गवर्नमेंट का सपोर्ट कर सकते हैं। एंड आई नो दैट राइडर कम्युनिटी वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड, और अगर सारे वर्ल्ड के राइडर्स अगर हमें सपोर्ट करें, नॉट इवन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हम लोग इस अवेयरनेस को पूरे सक्सेसफुली सकते हैं। तो आई जस्ट वॉन्टेड कि अगर जो भी मेरे राइडर फ्रेंड्स देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं, गाइस सपोर्ट मी। निकल रहे हैं बैंगलोर से बाहर। फिलहाल टाइम लगेगा बैंगलोर से बाहर जाने में अप्रॉक्सीमेट 1 आवर, क्योंकि हम कोरबंगला में थे, कोरबंगला से हाईवे तक आने में हमें टाइम लगेगा। You're never gonna make it, you're not good enough. तो गाइस जैसे मैंने तुम लोग को बताया था कि जब हम बैंगलोर से निकलते हैं तो बहुत सारी जगह में हमें टैक्स भरना पड़ता है, बाइक को भी टोल टैक्सेस, तो वहाँ पे टैक्स कलेक्ट हो रहा है बाइक के। चलो फिर, ये काफ़ी लेट हो जाएगा मेरा। तो गाइस मैं इधर टू व्हीलर का टैक्स देने आया हूँ, फिर लेता नहीं है। बॉम्बे बैंगलोर एंड बैंगलोर कन्याकुमारी हाईवे एंड ऐसे कुछ कुछ हाईवेज हैं जहाँ पर हमें इसका बाइक को भी टोल टैक्सेस भरना पड़ता है। होप कि जल्दी से हो जाए। हाउ मच? सॉरी, वन वे। निकलते हैं और फंस गया जैम में, यही होना था। बहुत लंबा जैम दिखा रहा है गूगल देवता, मर जाऊंगा गर्मी से, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मेरे को। लुक एट द जैम मैन, ओ माय गॉड, अप्रॉक्सीमेट 12 किलोमीटर का जैम है यहाँ पे। लग गई। चलो गाइस बाद में बात करते हैं। यहाँ से अप्रॉक्सीमेट कन्याकुमारी अराउंड 608 किलोमीटर कन्याकुमारी, या कन्याकुमारी 612 किलोमीटर कन्याकुमारी। आई होप कि विद इन 8:05 PM तक हम रीच करेंगे। आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक टू ब्रेक्स, सो हो सकता है ये 8:09 में कन्वर्ट हो जाए। एंड दैट्स इट, भैया फुल कर दो टैंक। मैं जैसे ही तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहा हूँ मेरी हालत उतनी ही खराब होते जा रही है। This is
So nice. Just listen. Go slow. Go slowly. That's really nice. ये क्या लगाया समझ में आ रहा है ये क्या चीज़ है. सो इस लंबे से ट्रक के ऊपर ये जो लोडेड है ये विंड मिल का फैन है. विंड मिल पता है ना जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम में आती है. इसको हिंदी में पवन चक्की भी कहते हैं. सो गाइस वन मोर विंड मिल फैन. गाइस सो फाइनली मैंने अपना पहला ब्रेक लिया है एंड दैट्स सच अ वंडरफुल रेस्टोरेंट. तो आई थॉट कि चलो यहाँ पे दिखाते हैं कौन सा रेस्टोरेंट है. ये ऑन द वे टू कन्याकुमारी में मिलता है. दिस इज हैप्पी समथिंग कुछ है एंड आई जस्ट होप कि यहाँ से हम खाने के बाद विद इन 30 मिनट्स हम यहाँ से निकलेंगे. एंड दैट्स सच अ वंडरफुल रेस्टोरेंट. काफ़ी ट्रेडिशनल चीज़ें तरीके से फॉलो करते हैं. गाइस दिस इज़ माई फूड फॉर टूडे. Full on South Indian style and that's really wonderful. Thank you. So, ये क्या क्या चीज़ें वेल वो तो मुझे पता नहीं बट खाने में मज़ा आने वाला है फॉर श्योर. तो ना मुझे पता नहीं था तो दे आर गोइंग टू एक्सप्लेन मी वेरी वेल. दिस आंटी इज गोइंग टू एक्सप्लेन मी. आंटी प्लीज प्लीज कौन सा वाला क्या क्या चीज़ है. कोविल दिस वन सांबर. अच्छा ओके दिस वन ये सांबर सांबर ओके एंड कूट कूट स्वीट 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 ओके पोरिल पोरिल पुली कोलाबाद कुरमा 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 रसम पुली रसम ये कोविल बटर मिल्क बटर ओके. दिस लुक लाइक अ रायता. आई थॉट इट्स अ रायता. ओके थैंक यू. फटाफट खाना खत्म करते हैं फिर हम लोग बात करते हैं ओके. और सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैं कहाँ से आया हूँ एलियन टाइप का. तो गाइज ये है मामंग का रेडिशन ब्लू. और यहाँ पे मैं एक ही बार रुका हूँ इन 2015 सॉरी. रेडिशन ब्लू ये वाला काफ़ी सुंदर है. बाहर से इतना अट्रैक्टिव नहीं है अकॉर्डिंग टू अदर रेडिशन ब्लू बिकॉज ये बहुत छोटे से प्लेस में है विच इज़ कॉल्ड मामंग. आंटी गुलाब का फूल लगा के अंकल के गोद में बैठी हुई है और अंकल रोमांस कर रहे हैं. चलो अभी जो बाहर का टेम्परेचर है इट्स 49.5 डिग्री सेल्सियस. 49 डिग्री की गर्मी. हे भगवान दया कर मेरे ऊपर. गाइस ये कौन सी नदी है वो तो मुझे पता नहीं बट काफ़ी बुरी तरीके से सूख गई है. यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन ये तो मुझे आती नहीं है. माय गॉड दिस थिंग इज एक्चुअली शॉकिंग. क्या कोई भी तमिलनाडु नहीं जा रहा है अभी. पूरा चेक पोस्ट खाली है. कोई टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा टोल टैक्स. ये पहला टोल बूथ देखा मैंने जो पूरा का पूरा खाली है गाइस. Make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you... So guys, I'm taking my another fuel break. And approximate, मैंने cover किया है लगभग 410 किलोमीटर. भैया फुल करो. मैंने अपना फ्यूल ब्रेक ले लिया और अंकल लोग को मुझे काफ़ी एक्सप्लेन करना पड़ा. ये लोग काफ़ी एक्साइटेड हो गए देख के. बट थिंग इज व्हाट दे आस्किंग मी अबाउट इस बाइक की स्पीड और माइलेज क्या है एंड आई एम शॉक. 220 के बारे में तो इनको पता होना चाहिए. वेल कोई नहीं हमने अपना सेकंड फ्यूल ब्रेक लिया था एंड हमने फिर से टैंक को फुल करवा लिया है. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight man. There's too many others and you're not that great man. Stop what you're saying. देर से मैं गर्मी में मर रहा था. Finally जाके एक थोड़ा अच्छा वेदर देखने को मिल रहा है. Just look at this guys. थोड़ा वेदर देखने में अच्छा लग रहा है. I hope कि वहाँ पे बारिश हो सकती है.
एंड ये हमारी माया है जो आग बबूली हो चुकी है बुरी तरीके से। इसको इस बार मैंने बहुत ज़बरदस्त अत्याचार कर दिया इसके ऊपर, बट शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। हालत मेरी ख़राब हो रही है लिटरली। आज कन्याकुमारी के बाद कल हम लोग रवाना करेंगे धनुषकोटी के लिए, एंड धनुषकोटी जैसे पता है रामेश्वरम, जहाँ पे राम सेतु बना था वो जगह देखेंगे, और वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं उसे देखने के लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, वो भी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मैंने अभी अभी तारीफ की, भगवान आपने धूप हटा दिया, बारिश आ रही है, तो मैंने अभी तारीफ की, अभी फिर से धूप आ गई। चलो फिर कैरी ऑन करते हैं, ज़्यादा लंबा ब्रेक हो जाएगा, मिलते हैं आगे चल के, बाय। आई जस्ट रीच मक्कनपल्ली, एंड यहाँ से मदुरई 62 किलोमीटर है और कन्याकुमारी 289 किलोमीटर। सो जितना जल्दी हो सके पहुँचने की कोशिश करते हैं, फिर हम बात करते हैं। ओके लेट्स गो। सो फाइनली गाइस, बारिश हैज बीन स्टार्टेड। थैंक गॉड गर्मी से छुटकारा मिला, लेकिन बारिश भी नहीं चाहिए था यार, लैपटॉप है इसके अंदर। चलो कोई नहीं, देखा जाएगा। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision, but no. Guys, checking is going on. मुझे रोका नहीं फिर से, दैट्स रियली नाइस। हे गाइस, मैं जस्ट अपने थर्ड ब्रेक के लिए रुका हूँ, इट्स अन टी ब्रेक, आई नीड टू से कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पीने वाला हूँ नाउ। इट्स अप्रॉक्सीमेट 5:44 और यहाँ से कन्याकुमारी अप्रॉक्सीमेट अभी भी 200-250 किलोमीटर दूर है। सो आई एम जस्ट होपिंग कि जितना जल्दी हो सके हम उसे रीच करेंगे। बिकॉज ऑफ रेन एंड सम ट्रैफिक, इसके वजह से थोड़ा और लेट हो गया, नहीं तो और थोड़ा जल्दी आए थे। बट अगर गूगल देवता की मानो तो हमें अभी यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता, एंड कन्याकुमारी पहुँचने में रात के 12 बज जाएंगे। बट ऐसा कुछ होगा नहीं गाइस, मैं कोशिश करूँगा 9 या हार्डली 10 तक कन्याकुमारी पहुँच जाए। ओके इसके बाद बात करते हैं, मैंने कॉफ़ी खत्म करता यार। सो मेरी कॉफ़ी ऑलमोस्ट रेडी है, थैंक गॉड, पीपल आर सो नाइस, थैंक यू सो मच। चेकिंग इज गोइंग ऑन, मुझे रोका गया अभी। देखते हैं क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं। यस सर, एवरीथिंग आई हैव, कैन आई, थैंक यू सो मच सर। आई नो आई एम लुकिंग एग्जॉस्टेड, बट यहाँ से कन्याकुमारी अप्रॉक्सीमेट 60 किलोमीटर है, राइट? कन्याकुमारी 30-60 किलोमीटर, कितना टाइम लगता है जाने में? आधा घंटा लगेगा। ओके यहाँ से कन्याकुमारी हार्डली 60 किलोमीटर, इट विल टेक 30 मिनट्स टू रीच, एंड रास्ता अच्छा है, ऐसे ही है, ख़राब नहीं है, नैरो गाँव नहीं है, सब अच्छा है। ओके सो रास्ता बहुत अच्छा है यहाँ पे, थैंक गॉड कि आप पहुँच गए। बट द थिंग इज़ व्हाट, कि बाइक ज़्यादा तेल खा रहा है, मैं ये तीसरी बार टैंक फुल करवा रहा हूँ। आई सीरियसली डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, मैं कल एक बार सर्विसिंग कराऊंगा, देन आई विल चेक इट आउट कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सो सबसे पहले हम लोग होटल पहुंचते हैं, होटल पहुंच के फ्रेश होते हैं, एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि बहुत जल्दी हम लोगों ने कश्मीर टू कन्याकुमारी की जर्नी पूरी कर रहे हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड रिकॉर्ड वाला जर्नी हो रहा है। सो गाइज, मेरा GPS कुछ ऐसा दिखा रहा है, एंड मुझे एक शॉर्टकट में लेके जा रहा है, और कोई नैरो रास्ता ही टाइप का है गाँव का कुछ। बट द बेस्ट थिंग इज़ वॉट, कि मेरा जो होटल है वो समुद्र के सबसे नियरेस्ट है, ओशियन के नियरेस्ट है। वेलकम टू कन्याकुमारी गाइज, वेलकम टू कन्याकुमारी। हे गाइज, सो फाइनली आई रीच्ड माई होटल, इट्स होटल सन पार्क, एंड इसके बारे में, दैट्स सच अ नाइस होटल, एंड ऑल्सो मैनेजर से लेके सारा स्टाफ ही बहुत ही अच्छा है। द थिंग इज़ वॉट, कि अभी एक्चुअली आई एम एक्सट्रीमली एंग्री, वो मैं रूम में जाके बताऊँगा बट रीज़न क्या है, बट दैट सच अ नाइस होटल, एंड ही इज़ द मैनेजर, एंड ये भी उनके मेम्बर हैं, राइट, होटल स्टाफ। तो थैंक यू सो मच सर, आपके इमीजिएटली रूम दे देने के लिए। इनके ऊपर बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है अभी रूम देने का, क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट काफ़ी जल्दी 7 को ही बंद हो जा रहा है, राइट, सब कुछ।
एंड स्टिल इनका होटल खुला था, इन्होंने दे दिया रूम, क्योंकि मेरी जो बुकिंग थी, जो मैंने बुकिंग पहले करवाई थी, होटल ओनर ने ऑन द स्पॉट बुकिंग कैंसिल कर दी बिकॉज ही डिमांड अ मोर मनी. जितना होटल की मैंने बुकिंग की थी जितने रुपए में, उस होटल के ऑनर ने उसकी डबल डिमांड की मेरे को उस बुकिंग की. मैंने उस होटल की बुकिंग की पेमेंट ऑलरेडी ऑनलाइन की थी और उसने फिर मुझे अगेन उतनी ही अमाउंट दोबारा करने के लिए बोला, अदरवाइज उसने बोला वो चेक इन करने नहीं देगा. सो इसको लेके मैं ऑफिशियली कंप्लेंट फाइल करने वाला हूँ कल. गाइज मैं फ्रेश हो चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम इन कन्याकुमारी. मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था K2K का, अगर मैं हर बार कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाता, बट इस बार मैंने सक्सेसफुली अपना K2K कर लिया, मैंने कन्याकुमारी रीच कर लिया. कल शायद मैं धनुषकोटी के लिए निकलूँ या परसों निकलूँ, एक दिन शायद मैं रुक सकता हूँ इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए. वैसे ये जगह काफ़ी छोटा है एंड मेरे को जस्ट अभी अपना रूम मिल गया बहुत ही मुश्किल से. क्वाइट ओके अच्छा रूम है, नॉट बैड. बट द थिंग इज़ वॉट, मेरा वर्किंग टेबल यहाँ पे नहीं है, सो इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी कि मुझे इस चेयर को लाके वहाँ बैठ के एडिटिंग का काम करना पड़ेगा. बट उससे पहले यहाँ पे कोविड के इशू के लिए, जैसे सबको पता है, हर ज़्यादातर 90% होटल्स में फूड सर्व नहीं किया जा रहा है, तो खाना लाने के लिए मुझे सामने जाना पड़ेगा. नाउ इज अप्रॉक्सीमेट अभी हो रहे हैं रात के 10:50 और अगर मैंने अभी खाना नहीं लाया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि कन्याकुमारी में 7 बजे के बाद लॉकडाउन है. तो रिमेंबर गाइज, तो अभी मैं जाता हूँ खाना लेके आता हूँ, फिर हम कल बात करते हैं, क्योंकि आज मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं खा के सोने वाला हूँ एंड आई डोंट थिंक कि मैं और भी ब्लॉग करूँगा. वैसे भी रात हो चुकी है, तो कल बात करते हैं, कल डायरेक्टली मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्पॉट में. सो कल क्यों, अभी मिलते हैं, चलो जूम.